जय माता दी। तो नए साल की शुरुआत हमने यहाँ से की है और ये जो नज़ारा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दूर दूर तक जो आपको भीड़ दिखाई देगी और यहाँ बिल्कुल मेला की तरह लगा हुआ है और बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, छोटे छोटे खोमचे वाले भी लगे हुए हैं और उनके रोजगार का आज एक अच्छा दिन है। और हमारी भगवान से ये प्रार्थना भी रहेगी कि इन सब का व्यवसाय काफ़ी तरक्की करे और इनके ज़िंदगी में भी खुशहाली है। तो फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ जगन्नाथ मंदिर, जो बोकारो का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और मैं वहाँ दिखलाता हूँ आपको आज भगवान के दर्शन करने के लिए जो उनके श्रद्धालु हैं किस तरह से उमड़ पड़े हैं। तो आइए मैं दिखलाता हूँ आपको जगन्नाथ मंदिर के अंदर का दृश्य। तो आप सभी आश्चर्यचकित होंगे कि इस तरह का परिदृश्य कभी बोकारो में भी नज़र आ सकता है क्या, लेकिन मैं आपको बतला दूं कि यह अवसर ऐसा है कि बोकारो वासी ना आज एकदम से उमड़ पड़े हैं। और ये दृश्य है जगन्नाथ मंदिर का और यहाँ पे जो श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है वो निरंतर लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक बार आपको ये दृश्य दिखलाता हूँ और आप देखिए कि श्रद्धालु किस कदर उमड़ पड़े हैं। और बोकारो स्टील सिटी जैसे एक छोटी सी जगह में जो अपने शांति प्रिय होने का एक प्रतीक है, यहाँ के लोग काफ़ी मतलब पारिवारिक जिंदगी को जीना पसंद करते हैं, एक निजी जिंदगी को जीना पसंद करते हैं, लेकिन आज अवसर है साल के प्रथम दिन का और साल के प्रथम दिवस पे लोगों का यह भीड़ देखकर लग नहीं रहा है कि हम बोकारो में हैं। देखिए मेरे पीछे का एक बार दृश्य और इस दृश्य को देखने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि आज वाकई में बोकारो वासी एकदम से निकल पड़े हैं भगवान के दर्शन के लिए। और इस दर्शन के साथ साथ एक अच्छा सा पैगाम भी है कि नए वर्ष का आगाज जो हुआ है काफी भव्य तौर पे हुआ है। और मैंने आपको बाहर का भी दृश्य दिखलाया था जहाँ पे छोटे छोटे खोमचे वाले से लेकर और बहुत सारे दुकान वाले भी अपना दुकान लगाए बैठे हुए हैं। और इसी आस के साथ कि आज जिस तरह का काम उनका हो रहा है पूरे साल होता रहे, बाहर में भिखारियों की भी लंबी तांत लगी हुई है, उनको भी आशा रहती है कि इस दिवस पे कुछ अच्छी कमाई उनकी भी हो जाए। तो फिलहाल चलते हम लोग प्रसाद लेने, प्रसाद लेकर भगवान का फिर दर्शन करते हैं। तो पूजा हमने अच्छी तरह से कर लिया, नए साल की शुरुआत भी हो गई, भगवान का दर्शन भी हो गया, काफ़ी भीड़ थी फिर भी सब कुछ अच्छा से हुआ। और इस वक्त हम लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और आपको पता है जगन्नाथ मंदिर का जो प्रसाद है ना वो मेन चढ़ावा होता है ये खाजा, गजब का स्वादिष्ट। तो इस खाजे का स्वाद लेना हो, भगवान का दर्शन करना हो, उनका आशीर्वाद लेना हो तो बोकारो में जगन्नाथ मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। जब कभी भी आप बोकारो आएँ इस मंदिर का दर्शन करना ना भूलें। मैं गन्नू महाराज को दिखलाना चाहता हूँ, गन्नू महाराज को काफ़ी भूख लग गई थी तो पटापट वो प्रसाद से ही उन्होंने, गन्नू महाराज कुछ ज़्यादा ही भूख लग गई आज। हाँ बहुत ज़्यादा भूख लग गई क्योंकि एक बज गए हैं, मैं सुबह से कुछ खा नहीं। और मम्मी बोलते रहती है कि पहले पूजा करना है तभी खाना है, इसलिए तो खाए नहीं, इसलिए एक बजे जाके ये कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। बहुत कोई बात नहीं, भगवान का दर्शन तो अच्छा से हो गया ना। हाँ। और नए साल के लिए आपने कुछ भगवान से मन्नत भी मांगी क्या? मांगी है, वो सबके सामने नहीं बतलाना है, सरप्राइज के तौर पे है और अपने तक सीमित रखना है उसको, कोई बात नहीं। लेकिन बोकारो वासियों के लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शेफालिका यू प्लीज कम हियर। तो शेफालिका दर्शन अच्छा से हो गया? बोर्ड के एग्जाम्स हैं, घबराहट नहीं? वेल लेकिन क्या भगवान से आपने कुछ मांगा क्या? सबको याद है तो सबको कुछ ना कुछ मांगता है, हम भगवान से मांगे हैं। अच्छा चलिए वो नहीं बतलाना, अपने एग्जाम से रिलेटेड तो कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी भगवान से। चलिए अच्छा, भगवान की बात अलग हो गई, पढ़ाई की बात अलग हो गई, लेकिन बोकारो वासियों के लिए आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? Would you like to say something to Bokaroites? Yeah, sure. I would like to wish them a very happy new year. May this new year be filled with prosperity and happiness in your life. And आप सभी को बहुत बहुत happy new year.
तो चलिए, यू गॉट द मैसेज फ्रॉम सेफालिका एंड हियर आई ऑल्सो विश टू ऑल बुकर राइड्स, आप सुखी हों, संपन्न हों और काफ़ी खुशहाल हों, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो देखिए मेरे पीछे जगन्नाथ मंदिर जी को अच्छी तरह से, और सब कुछ कितना सुचारू रूप से सुव्यवस्थित है, और ये जो है घोष आपको सुनाई दे रहा है ना, जय जगन्नाथ। तो चले मिलते हैं अगले साल इसी वक्त यहीं पे। गुड बाय।